गुड मॉर्निंग। आज है 17 मार्च और आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो करंट अफेयर्स है वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इस वीडियो को आप सभी पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि पसंद आएगा तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। जो संकलन मोबाइल ऐप है इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। ये जो संकलन मोबाइल ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो NCRB द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली CCMS का लक्ष्य किस प्रकार के डेटा को व्यवस्थित एकीकृत और डिजिटाइज करना है? इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जांच के दौरान उत्पन्न डेटा जैसे मामले के दस्तावेज और सबूत। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIE द्वारा डिज़ाइन किए गए डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली CCMS का उद्घाटन किया। CCMS जांच के दौरान उत्पन्न डेटा को व्यवस्थित करने, एकीकृत करने और डिजिटलीकरण करने में सहायता करेगा, जिसमें केस, दस्तावेज, निकाले गए डेटा, एकत्रित साक्ष्य और आरोप पत्र शामिल होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने के आदेश क्यों दिया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी चिंताओं पर चिंताओं के कारण। लिखा हुआ है यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का RBI का निर्णय गैर अनुपालन मुद्दों पर चिंताओं से उत्पन्न हुआ, जिसमें खाता खोलने के दौरान अनुचित पहचान, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अवैध गतिविधियों में संभावित भागीदारी और असामान्य संख्या में निष्क्रिय खाते शामिल हैं। अगला प्रश्न हमारा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये मनाया जाता है 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोग उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले उपायों पर चर्चा करते हैं। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से अलग है। अगला प्रश्न है हमारा, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ध्यान रखिएगा मुंबई की टीम ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली है। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी खिताब जीता। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता। रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कप्तान भी बन गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, बी साईराम याप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किए गए हैं। साईराम के पास कोयला क्षेत्र में 33 वर्षों की सेवा का अनुभव हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ADB। भारत सरकार और ADB ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत फिनटेक शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने और फिनटेक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान IFI की स्थापना की जाएगी। आठवां प्रश्न कह रहा है हमारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, J. Paul के साथ। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब JPAL दक्षिण एशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। J. Paul
ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। जे पॉल एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो गरीबी से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 न्यून में से किसके द्वारा जारी की गई है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। डेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नज़र रखता है। वी डेम इंस्टीट्यूट वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना 2014 में स्टॉफन लिंडबर्ग द्वारा की गई थी। स्टॉफन एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत के रैंक क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी 134। लिखा हुआ है यहाँ पर, मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक SDI में भारत 134वें स्थान पर है। वहीं भारत एक पड़ोसी चीन और श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75वें 78वें स्थान पर है। भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भूटान 125वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो ऐसा मत किया करें। 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? शायद अब आपको आंसर पता लग गया होगा क्योंकि मैंने अभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कराया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन है? इसका भी आंसर पता लग गया होगा आपको। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट रहेगा, बी साईराम। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2024 के छठे संस्करण में किस फिल्म ने शीर्ष सम्मान जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं फेल। अगला प्रश्न कह रहा है, टाटा मोटर्स 5 वर्षों की अवधि में तमिलनाडु में वाहन विनिर्माण सुविधा स्थापित करने में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 9,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्रह संकट और जलवायु परिवर्तन पर उनके लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार के विजेता कौन हो जाएंगे? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमिताभ घोष। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता कपिल देव प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 52 बूटी के लिए। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा भारतीय राज्य पर्यटकों के लिए भवन के निर्माण के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। 18वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मार्च 2024 में किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, राजस्थान सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट आप सभी रुक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है, किस देश के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। भारत में लॉन्च की गई नई एयरलाइन का नाम क्या है जिसे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाई है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fly 91। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में आप सभी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, और प्लेलिस्ट को आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पॉलिटी और बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लास मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।